गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 10। इस चैप्टर में आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ द इंपीरियल आर्ट एंड द मैसेजेस, ठीक है ना। लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं विजुअल आर्ट क्या होता है, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोलोनियल आर्ट के बारे में पढ़ा था, इंपीरियल आर्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इन आर्ट का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ द इंपीरियल आर्ट एंड द नेशनलिज्म, द स्क्रॉल पेंटिंग्स ऑफ द कालीघाट वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्निक्स ऑफ द सेटिंग राउंडनेस इन द फिगर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल आर्ट। जो स्क्रॉल पेंटर्स थे कालीघाट के, वो भी प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, ब्रिटिश कॉलोनियल आर्ट से प्रभावित थे। द स्क्रॉल पेंटर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजेस टू द न्यूली एस्टेब्लिश सिटीज लाइक कोलकाता इन सर्च ऑफ पैट्रोन्स। द स्कॉलर पेंटर, जो स्कॉलर पेंटर्स थे वो माइग्रेट करने लगे, मतलब अपने शहर से, अपने गांव से ऐसे शहरों की ओर माइग्रेट करने लगे, मतलब स्थानांतरित होने लगे, जो कि नए शहर बसे हुए थे, जैसे कि कलकत्ता। किसकी खोज में, आश्रय की खोज में। आफ्टर 1840s द स्क्रॉल पेंटर्स डिपिक्टेड द सोशल चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। 1840 के बाद स्क्रॉल पेंटर्स जो थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में जो समाज में जो भी चेंजेस हो रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी पेंटिंग में उसको बहुत अच्छे से दर्शाया है। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, रवींद्रनाथ टैगोर वर इन सर्च ऑफ नेशनलिस्ट विजन ऑफ आर्ट। जो पेंटर्स थे राजा रवि वर्मा और रवींद्रनाथ टैगोर, ये सब राष्ट्रीय दूरदर्शी कला की तलाश में थे। द जापानीज आर्टिस्ट आल्सो इन्फ्लुएंस द नेशनलिस्ट आर्टिस्ट। जो जापानीज आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, वो भी किससे प्रभावित थे, जो राष्ट्रवादी कलाकार थे उनसे, उनकी कला से बहुत ज़्यादा वो लोग भी प्रभावित थे। पेंटिंग्स ऑफ द भारत माता बाई रवींद्रनाथ टैगोर इज दिस सिग्नेचर पेंटिंग दैट डिपिक्टेड द थीम ऑफ द मदरलैंड। जो भारत माता की जो पेंटिंग थी, जिसको किसने बनाया था, रवींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे, ठीक है ना। तो उसमें जो उनकी थीम थी वो किस पर बेस्ड थी, वो उनकी थीम जो है वो भारत माता पर डिपेंडेंट थी, ठीक है ना, पूरी तरीके उस पर आश्रित थी, मदरलैंड के ऊपर, ठीक है। द नेशनल आर्ट मोमेंट लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क ऑन द आर्टिस्ट मैप ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय कला आंदोलन भारत के कलात्मक मानचित्र पर एक स्थायी छाप छोड़ी, ठीक है ना। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों को जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं वो सारे नोट्स आपको क्लियर कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और टाइमली कॉपी आकर के चेक करा लीजिए। ओके क्लास।